पंजाब ने अपना नवा मुख्यमंत्री मिल गया भगवंत मान। कॉमेडियन तो पॉलिटिशियन बने ते आज पंजाब दे मुख्यमंत्री, 16वीं विधानसभा दे मुख्यमंत्री बने ने भगवंत मान। साडे नाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे एडिटर जगदीप संधू ने, नाल ही सीनियर जर्नलिस्ट ने रोहन दुआ, उन्हां तो जानदे आ अज दी जिहड़ी स्पीच सी भगवंत मान दी, ते अज इस मूवमेंट नूं किस तरह देख रहे ने? नीतिका, पंजाब च एक बहुत वड्डा चेंज मनिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह एक बड़ा क्लीयर मैंडेट मिले 92 सीट्स, यानी कि पंजाब की जिहड़ी सियासत शायद इत्थों बदल जाएगी, लेकिन जिस तरह पावर आई है उस नाल बहुत ज़्यादा जिहड़ियां जिम्मेवारियां आईयां ने, और जिम्मेवारियां पूरियां करनियां पैणगियां, क्योंकि बड़े बड़े वड्डे वादे किए गए हैं। 1000 जिहड़ा रुपया जिहड़ा महिलावां नूं देना, जां 300 यूनिट बिजली देना, इस दे खर्चे की गल करिए 24,000 करोड़ आम आदमी पार्टी की सरकार नूं साल चाहिए होगा, उस दे नाल नाल करीब 12,000 करोड़ जी ट्यूबवैल सबसिडी आती है पंजाब च, वह चाहिए होगी। सो कुल मिला के सरकार का जो खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो सैलरी बिल है पंजाब का वही बहुत वड्डा, और जी पंजाब की टैक्स कलैक्शन है करीब 95,000 करोड़ जी टारगेट की जाती है, लेकिन अज तक वो कभी पूरी नहीं हुई। सो पंजाब की जी आमदन है वो करीब 80,000 करोड़ सालाना रही है, सो उस जे खर्चे पूरा किमें करना, यह बहुत वाला चैलेंज जोड़ा इस सरकार को होगा। पंजाब के उपर दस दिए कि 2,82,000 करोड़ का कर्जा है, जिस कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल च, क्योंकि कोविड करके बहुत ज़्यादा सरकार नुकसान होया, बहुत सारे रेवन्यूज़ के सोर्स बंद हो गए सी, उस करके पंजाब सरकार नू जिहड़ा करीब 1,00,000 करोड़ का कर्जा जिहड़ा होर लेना पिया। सो मैं दसदा कि पंजाब 1986 की गल करिए, तो उस वेले पंजाब को सरप्लस मनी से, यानी कि टैक्स जिहड़ा जिन्ना कि टैक्स सीगा आमदन जिहड़ी है वह ज़्यादा सी, टैक्स कलैक्शन ठीक सी, लेकिन पिछले 10 साल तो जिहड़ी GST कलैक्शन ते पंजाब दी बहुत घट है, वह बहुत वड्डा चैलेंज रहेगा। और मैं एक गल होर दसदा, दिल्ली की करीब 1200 करोड़ जिहड़ा है सरप्लस जिहड़ा है बजट तो उपर जिहड़ा दिल्ली सरकार वह जुटाती है। सो एक्सपर्टाइज आम आदमी पार्टी को है, लेकिन वो पंजाब च किन्नी काम करेगी वह देखने वाली गल होगी, और इसके नाल नाल बहुत वड्डे चैलेंजेस ने आम आदमी पार्टी के पंजाब नू, क्योंकि जे पंजाब दे विच बहुत होर वड्डे वादे किए गए, चाहे वह ड्रग्स की गल करिए, बेरोजगारी की गल करिए, फिर बरगाड़ी कांड की गल करिए, सो उन्हां विच इंसाफ दवाना वो भी पंजाब सरकार लिए बहुत वड्डा चैलेंज रहेगा। और उस तो अलावा जिहड़े पंजाब सरकार नू होर जिहड़े आ जिहड़ियां पंजाब दी बुनियादी सहूलतां ने, जे हॉस्पिटल की गल करिए, स्कूल्स की गल करिए, उस लई बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होएगा। और मैनू लगता कि एक जिहड़ी शुरुआत अज हुई है पंजाब सरकार की वह बहुत पॉजिटिव नोट पर हुई है, और जिवें सिक्योरिटी की गल की जा रही, क्योंकि एक पंजाब दे विच VIP सिक्योरिटी बहुत वड्डा मुद्दा, और अक्सर लोग जिहड़े आ नाराज़ रहिंदे आ कि किवें सिक्योरिटी ते पैसा बहुत खर्च हुंदा। सो सरकार ने आंदिया ही 100 तो ज़्यादा 122 करोड़ जिहड़े VIP से उन्होंने सिक्योरिटी जी घट की है, उसका भी जोड़ा है बहुत फर्क पेगा पंजाब की सियासत। सो हम देखने वाली गल हुई कि जो वे वे वादे किए सरकार ने वो किमें पूरे हो, और मैंने लगता कि अज हर पंजाबी जोड़ा बड़ा आसवंद है कि नवी सरकार पंजाब बनी है और नवी उम्मीदा लैके आई है, और नवे पंजाब की जी सृजना की गल की जा रही है वह जो नवा पंजाब है रंगला पंजाब बनाने की गल की जाती है, वो पंजाब की शुरुआत अज हो चुकी है। हुण देखना होएगा कि सरकार किवें फूक फूक के कदम रखेगी, और पंजाब नूं ना सिर्फ नशियां तों निजात मिलेगी, बल्कि जिहड़ा कर्जा है वो बहुत वड्डा इशू है, उस तों भी निजात जिहड़ी है सरकार दवाउण दी कोशिश करेगी। बिल्कुल जगदीप जी, इस दे नाल ही रोहन दुआ, क्योंकि जिन्ना वड्डा चैलेंज आम आदमी पार्टी लई सरकार बनाउणा सी उन्ना ही चलाना भी रहेगा, क्योंकि देखिए तो ज़्यादातर लोग जिहड़े ने ज़्यादातर MLA ने अनएक्सपीरियंस ने, जिन्हों एक्सपीरियंस नहीं है, कैबिनेट जिहड़े भी जाणगे उन्होंने भी कदे मंत्री रहने का एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो तुम्हें लगता है कि बहुत औखा होएगा आम आदमी पार्टी लिए? मैं सिर्फ यही गल कहूँगा कि देखो जिहड़ी है लैंडस्लाइड विक्टरी हैगी है 90+ सीट्स की, इन्ना बहुमत 35 साल बाद मिले हैगा, तो जो भगवंत मान जो अपना करैक्टर निभाते होंगे सी जुगनू का 25-30 साल वो कैस्टा आदि सगिया, हजे भी जोड़ा पंजाब का रूरल हिंटरलैंड का फोक हैगा ना, जो रूरल हैगा वो पंजाब सूबे का जोड़ा है वो भगवंत मान में अपना सरदार मनेगा। 5 साल तुम देखा अरविंद केजरीवाल साहब के मनीष सिसोदिया दोनों दूजे पास जाके बैठे, तो मैसेज जो ऑडियंस नूगा तो लोगों पंजाब में कि भगवंत मान जोड़े है CM उही सूबे के सरदार हो गए। जगदीप गल कर रहे थे डेट की, मैं याद है जो अकाली दल की सरकार कांग्रेस के वेले कांग्रेस को छड़ के गई उस वेले 1,75,000 करोड़ का डेट से, वो हूँ डेट आ गया है 2,75,000 जोड़ा कर्जा हैगा, कर्जे नू निभाना किस तरह अगे GST नू रिकवरी पाना, बट मैनू जोड़ा जापता है कि
फोकस जो रहेगा वो माइनिंग रेवेन्यू तो रहेगा, माइनिंग क्योंकि स्कैंडल बहुत वड्डा सीगा कांग्रेस वेले। चरणजीत सन्नी ते भी चरणजीत चन्नी ते भी इल्जाम लग्या अपनी फैमिली नू रेवेन्यू पहुँचाने का, वो जी रिकवरी हैगी है जी रिकवरी हैगी माइनिंग तो सब तो ज़्यादा होएगी, दूजी लिकर तो ते तीजी मैं लगता जी एस टी तो होएगी। यह जो तीनों है टैक्स के कलैक्शन उही सिर्फ पंजाब को बचा सकता है। मैं लगता है कि उही उन्हों की डेलीब्रेशन भी चल रही है कि माइनिंग तो जो रेवेन्यू आएगा वो किस तरह यूज होएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रोमीनेंट रिकवरी फॉर पंजाब। मैनू यह भी लगता है कि कितने ना कितने क्योंकि ऐलान इन्ने वड्डे होए ने 1000 रुपये जरा विमेन एम्पावरमेंट लिए हैगा वो जे अगर पूरा निभा दें देंगे ने जिमें लैपटॉप तो मोबाइल फोन किया सीगा कैप्टन अमरिंदर सरकार ने पूरा नहीं कर सके, वेव ऑफ करिया सीगा फार्मर का वो भी नहीं हो सकिया, तो वो जोड़े ऐलान हूँ आम आदमी पार्टी ने कहे जी अगर पूरा करते ने मुकाबला जोड़ा है ना वो क्रक्स रहेगा आम आदमी पार्टी सरकार का। जगदीप जी ये भी कह गया हंकार ना करो होली चलो, इसनों किस तरह देखते हो क्योंकि बन में शायद एक्सपेक्ट नहीं किया आम आदमी पार्टी ने भी, तो लगातार तस्वीर सामने आ रही ने, असं देख रहे हैं कि MLA जड़े ने हॉस्पिटल च जा रहे हैं स्कूल च जा रहे हैं, वो तो उ कारण तो नहीं है कि भगवंत मान वालों कहा गया कि होली चलो। बिल्कुल नीतिका, असी देखा कि चाह ही इन्ना ज़्यादा है, जो 92 MLA बने हैं उन्होंने कोशिश है कि रातों रात सिस्टम सुधर जाए, हालांकि सिस्टम सुधारों में बहुत टाइम लगेगा और एक सिस्टम बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरी आम आदमी पार्टी की बड़ी सीनियर लीडरशिप ना गल हो रही थी, उन्होंने कहना कि MLAs नू ट्रेन करा उन्होंने दसागे कि उन्होंने ड्यूटीज़ की है क्योंकि अथॉरिटी नहीं होंगी थाने जाके चेक करना, लेकिन पंजाब ने जो देखा 70 साल च जो पुलिस का पोलिटी जरा पोलीटिकल सिस्टम के अंडर आ गई है पोलिटिशाइजेशन होया उसको लैके लोग जोड़े बड़े तंग से, सो एक कोशिश होगी उस नैक्सस को तोड़ना क्योंकि पुलिस जी है पोलिटिकल अपने कामों की गल सुनती सी कहते सी भी पंजाब की राजनीति जी थाने चलती और थाने जड़े आ वो MLAs के घरों से चलते सी, सो उस तो नजात दाना जरा दवाना बहुत जरूरी होएगा। और एक सवाल जरा लगातार उठ रहा लॉ एंड ऑर्डर का क्योंकि असी देखिया जिदन काउंटिंग हुई सी उस दिन पंजाब चो बहुत जबरदस्त हथियार मिले, 5 Kalashnikov राइफल्स मिली, 5 AK-47 मिली और उसके नाल 5 pistols मिले सी। लगातार एक कोशिश है गुआढ़ी मुल्क वालों कि पंजाब नू डिस्टेबलाइज किया जाए और उस बहुत सारे हथियार पंजाब पुश किए जाते हैं, सो एक बहुत वड्डा चैलेंज रहेगा लॉ एंड ऑर्डर का। असी देखिया कि कल जिहड़े संदीप ने परसों की गल है संदीप कबड्डी प्लेयर जो कि दुनिया के टॉप प्लेयर सके टॉप रेडर सके भारत की जी सर्कल स्टाइल कबड्डी वो कैप्टन रह चुके हैं, सो उन्हों का कतल हो जाना दिन दहाड़े बहुत वड्डा चैलेंज रहेगा क्योंकि जिस तरह का सिस्टम बन चुके हैं पंजाब गैंगस्टर सिस्टम उन्होंने खत्म करना बहुत वो एक चुनौती होएगी। और मैं लगता है कि पुलिस को कम से कम एक बड़ा बड़ी एक जी राहत वाली गल होगी कि पुलिस की इंटरफेरेंस जी है जी बहुत घटेगी हूँ जी पोलीटल इंटरफेरेंस क्योंकि अक्सर इल्जाम लगते हैं कि जोड़े पोलीटिशियनस ने वो पुलिस को कंट्रोल करते और मैं लगता कि जोड़ा नवा DGP बना के सरकार वालों एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि पंजाब जोड़ा फ्री है। एक बहुत वाली गल भगवंत मान उन्होंने अपने भाषण से कही है, उन्होंने कहा कि पंजाब सब का जिन्होंने वोट पाई है उन्हों का भी जिन्हों का नहीं है, सो देखने वाली गल होगी। और एक होर बहुत वधिया मैसेज दिता उन्होंने कि सोशल मीडिया से लड़ना छोड़ो क्योंकि असं देखते हैं सोशल मीडिया से जिस तरह के कमेंट आते हैं अपने राइवल्स भी यूज़ किए जाते बड़ा गंदा एक मैसेज आता और लोगों में बहुत ज़्यादा दुश्मनियाँ बढ़ाता है, सो एक वो भी मैसेज दिता गया कि मिलजुल के रहो पंजाब सब का पंजाब एक है वोट पाई नहीं पाई है वो बाद की गल है 92 जीटा आनी 92 MLAs जो एक पासे ने, सो बहुत वड्डी शुरुआत है। और मैंने पता कि अज मनीष तिवाड़ी जोड़े कांग्रेस के MP उन्होंने ट्वीट आया से उन्होंने भी इनवाइट किया गया, सो पार्टी पद्धर तो उठ के भगवंत मान ने एक अप्रोच किया कि सारे लोग मिलकर पंजाब बनाइए हूँ बाकी पोलीटिकल पार्टीज जड़िया ने किवें सहयोग करनगे भी देखने वाली गल होएगी। और विधानसभा का पहला सैशन जरा उ जो जो रंग है जोड़ा पंजाब का रंग है भगत सिंह का रंग है वो जरा पूरा असैम्बली छाएगा और लगता कि पंजाब के लिए जी एक आम लोगों एक उड़ीक सी कि पंजाब लोगों की सरकार है वो बनी है, हुण देखने वाली गल होएगी कि सरकार अगले 5 साल च की रिकॉर्ड्स बनाती है किवें काम करती है क्योंकि काम बहुत करने वाला साड़ी जी जवानी है साड़े बच्चे है वो विदेश जा रहे हैं उन्होंने रोकना बहुत जरूरी है, जड़े जॉब्स क्रिएट करने बहुत जरूरी है, जड़ा रेवन्यू है पंजाब का क्योंकि GST कलैक्शन साड़ा गुआढ़ी सूबा जरा हरियाणा छोटा लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जी GST कलैक्शन है, सो मैं लगता पंजाब के लोगों भी अगे आके टैक्स देने चाहिए आ क्योंकि पंजाब बारे कहा जाता कि 10-12% लोग जोड़े है वो टैक्स जोड़े बिजनेसमैन नहीं देंगे शायद
उन्होंने भी एक मौका मिलेगा पंजाब की पंजाब को रीबिल्ड करने। और मैं लगता कि जो जॉब्स क्रिएट होंगे साड़ा यूथ जोड़ा वो पंजाब रहेगा और पंजाब के जोड़े क्योंकि माँ बाप में एक बड़ी चिंता सता रही है 10 लाख बच्चा जोड़ा पिछले 3 साल बाहर गया तो मैं लगता नहीं वो कभी आएगा। पिंडा के पिंड सुन्ने हो रहे हैं असं देखते हैं कि जोड़े पंजाब के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है उत्तर बहरों बच्चे आके पढ़ रहे हैं। सो एक बहुत वही चुनौती रहेगी कि जोड़े बच्चे साढ़े है वो पंजाब ही रहन उन्होंने रुजगार के साधन पैदा हो उन्होंने कोई जॉब्स दिखाई जा। सो ये वाल भी सरकार बहुत ध्यान देगी और जिम्मे मैं दसिया लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत व्डा इशू रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना भी सरकार लिए बहुत वही चुनौती होएगी लेकिन बहुत सारे पुलिस ऑफिसर है जो ईमानदार ऑफिसर है जिन्होंने शायद मौका नहीं मिलता पोलीटिकल एक जड़ा होंगे कि जोड़े आका होंगे उन्होंने वो लगाते शायद उन्होंने एक उम्मीद बजी होएगी जोड़े पुलिस ऑफिसरस है उन्होंने भी शायद इंडिपेंडेंट करना पेगा और पंजाब को अगर जोड़े पोलीटिकली जोड़े लोग है वो ना कंट्रोल कर पुलिस एक सिस्टम के तहत कंट्रोल करे तो मैं लगता पंजाब जोड़ा आने वाला जोड़ा पंजाब है वो एक नवी सवेर होएगी और योजे पंजाब शायद भगत सिंह होना ने जोड़ा उन्होंने सोचा होएगा। और अच्छ खटखड़ कला तो मैसेज देने की कोशिश की गई है क्योंकि आम तौर पर मोहाली क्रिकेट स्टेडियम से देखे असी उस सैरेमनी ज चप्पड़ चिड़ी चो सैरेमनी देखी गई राजभवन चो। सो अच्छ खटखड़ कला चल के मुख्यमंत्री और गवर्नर पंजाब इतने पहुंचे हैं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है भगवंत भगवंत मान वालों के जोड़े शहीद भगत सिंह से राजगुरु सुखदेव से उन्होंने जो सपना से जो पंजाब को बनाने या देश को बनाने का वो शुरुआत जितों हुई है और साड़िया भी शुभ इच्छावां ने सानू लगता कि असी भी सरकार की हर जी चंगी गल उन्होंने जरूर दिखावे और साड़ी भी एक कोशिश रहेगी कि सरकार जी है चंगे काम करे और साडे वालों पूरा सहयोग रहेगा। बिल्कुल जगदीप जी तुम लॉ एंड ऑर्डर की गल की है पुलिस चलाने की गल की है हालांकि हले तक आम आदमी पार्टी को एक्सपीरियंस नहीं क्योंकि दिल्ली के पुलिस उन्होंने अंडर नहीं हैगी तो कह सकते कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग उन्होंने रहेगा। रोहन दुआ जी तो भी एक सवाल ले लें रोहन जी एक यूटी चलाना तो दूजी स्टेट चलाना वो भी बॉर्डर स्टेट चलाना बड़ा चैलेंज तुम लगता है गलतियाँ तुम लगता है कि आम आदमी पार्टी ने करनी शुरू भी कर दी पहले दिन तुम देखा रोड शो के दिन सरकारी जी गड्डिया बसों का मिसयूज किया गया फसल जून कट दी गई सिर्फ इस समागम लिए तो लगता है कि बहुत सोच समझ के कदम लेने पैने। देखो बहुत सोच समझ के लेने पैने क्योंकि जो इस वे तक अकाली दल कांग्रेस का जो रूल से 10 साल उन्होंने तो 5 साल इन्हों का कैप्टन अमरिंदर बड़े मजबूत लीडर से दावेदार भी सके मुख्यमंत्री के तो उस वे जी पंजाब सूबे के जोड़े भी DJP रहे ने लॉ एंड ऑर्डर जो है IPS कांग्रेस वेले तो प्रमोट होंगे होंगे सी बट अकाली दल वेले बैक चैनल तो पंजाब पुलिस सर्विस नू प्रमोट करके IPS बना के ना लुधियाना अमृतसर जलंधर ला देने अफसरों यह जो मुकाबला है क्योंकि पठानकोट अटैक होया गुरदासपुर अटैक होया दो टैरर अटैक हुए पंजाब च काफ़ी लोग मरे भी वो बाद लुधियाना ब्लास्ट होया चोणा तो करीब एक डेढ़ महीना पहला दैन प्रधानमंत्री वाला जोड़ा एपीसोड होया वह भी बड़ा चैलेंजिज सेगा तो जेडे जोड़ा हूँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हैगी तुसी बिल्कुल सही कहा एक्सपीरियंस की लोड हैगी है एक्सपीरियंस ना होने के कारण हो सकता है कि शायद जोड़ा फोकस हैगा वो ज़्यादा IPS अफसर से रहेगा कि किस तरह के अफसर की ड्यूटी लाई जाती हैगी है भगवंत मान किनू होम सैकटरी लाते हैं किनू DGP लाते हैं वो पोलिटिसाइजेशन ना हो चैलेंजेस जोड़े है जोड़े भी अफसर होने वो IPS उन्होंने IPS सारे रेगूलर रिक्रूट होने चाहिए ने IPS जे ना लाइए आप रेगूलर जोड़े पुराने अफसर है उन्होंने घट यूज़ करना चाहिए क्योंकि यह सारे जो डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डर भी तो जोड़े नॉन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी वो बड़े इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट अमृतसर तो जोड़ा तुम गल कही है कि एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपीरियंस की लड़ हैगी है मुझे लगता है कि उत्थे उन्होंने एक एक इंडीकेशन देता है वेनू प्रसाद को अपना PS ला के वेनू प्रसाद को सीनियर IAS अफसर को अपना PS प्रिंसिपल सैकटरी ला के उन्होंने मैसेज देता है कि दैट जोड़े भी डिसीजन होएंगे वो मेरे कहते ही होने तो मैं लगता है कि अगर आने वाले समय MLA की जी पोलिटिसाइजेशन हैगी घट होनी चाहिए हैगी है SHO की जी ठेकेदारी हैगी है हल्कियाँ वो घट होनी चाहिए कि अफसरों ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए है। एक और सवाल जगदीप जी मैं जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि चलो अज भगवंत मान ने एज अ CM सौ तो चुक ली पर हूँ आम आदमी पार्टी लिए अगले 3-4 दिन भी बड़े औखे निकलने वाले हैं कल स्पीकर लगाना है फिर उस तो बाद कैबिनेट जी है उन्होंने सौ चुकवानी है की लगता है किमें की होएगी कैबिनेट तो जिस तरह अभी पहला भी गल कर रहे हैं कि किसी को कोई एक्सपीरियंस जोड़ा है वह नहीं है। देखो नीतिका पहली बार CLP का अहदा जरा पिछली इलेक्शन मिले आम आदमी पार्टी और पहली बार उन्हें करके दिखाया से जोड़े इशू से बहुत जोर शोर ना चुके से। सो एक्सपीरियंस मैंने लगता कि जोड़े सारे लोग ने
एक्सपीरियंस देंगे और सरकारा चलांदियां ने ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स नु एक्सपीरियंस हुंदा है सो एक उन्होंने खोल देने की लोड़ है ब्यूरोक्रेट्स हो जा पुलिस होए या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एक खोल देनी पेगी कि काम ईमानदारी ना करो जिवें रोहन उन्होंने कहा कि जो जो वेणुगोपाल जी की जो नियुक्ति हुई है एक मैसेज दिता गया कि ईमानदार जोड़े ऑफिसर्स है उन्होंने आम आदमी पार्टी तरजीह देगी सो जो उपरों कहें कि जो उपर जो फाउंटेन हैड हों उ ईमानदारी होएगी तो बड़ा फर्क पैदा मैं तुम्हें एक जिक्र करदा जो मैं दिल्ली एक बार अरविंद केजरीवाल उन्होंने मिले उन्होंने यह किया कि अक्सर हुंदा की है कि पंजाब की पंजाब चलाना उन्होंने एक एक उन्होंने लैबोरेटरी है क्योंकि दिल्ली के कहें मैं एक एन जी ओ चला रहा मेरे को पुलिस नहीं है लेकिन हूँ पंजाब के लोगों ने एक तरफा मौका दिता पुलिस अपने को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अपने को सो हूँ पंजाब जोड़े पांच साल काम करे और अगर आम आदमी पार्टी इतने वधिया काम करेगी उसका सीधा असर पंजाब नहीं पूरे देश जाएगा और 2024 दिया इलेक्शन आम आदमी पार्टी एक बहुत वही तिर जी है वो बन के जी है उभर सकती है और गुजरात च आम आदमी पार्टी ऑलरेडी बहुत काम कर रही है सो कांग्रेस लिए बहुत वही चुनौती गुजरात च भी होएगी क्योंकि आम आदमी पार्टी उत्थे भी रिप्लेस करने की ताकत रखती है दिसंबर के इस साल हिमाचल प्रदेश इलेक्शन है हिमाचल प्रदेश पंजाब के नाल लगता और हरियाणा जोड़ा हरियाणा भी पंजाब के नाल लगता हालांकि 2024 इलेक्शन है सो अगर पंजाब आम आदमी पार्टी वधिया परफॉर्म करेगी उसका असर गुजरात के नाल नाल कर्नाटक की इलेक्शन है उत्थे भी शायद आम आदमी पार्टी की एक्सपेंड होएगी सो एक नवी राजनीति की जी गल की जा रही थी वो एक मौका मिले आम आदमी पार्टी को पंजाब तो अगर पंजाब वधिया काम आम आदमी पार्टी करेगी तो शायद पंजाब तो बाद बाकी स्टेट्स में भी उन्हों का जोड़ा फैलाव वधेगा लेकिन चुनौतियां बहुत वड्डिया ने एक्सपीरियंस ठीक है नहीं है लेकिन कहते भी काम करो तो सीख ही जाता बंदा शायद असं भी जो इस प्रोफेशन चाहिए सानू कोई उसकी कोई कहते हैं कि कोई ट्रेनिंग नहीं सी लेकिन बंदा काम करता सीखता विल पावर जरूरी है क्योंकि अगर विल स्ट्रोंग है तो काम सारे होंगे और मैं लगता अगर ईमानदारी नाल सरकार दे उपरों एक मैसेज आएगा कि ईमानदार सरकार बने तो मैसेज नीचे तक जाएगा क्योंकि आम तौर पर देखा जाता सी पोलीटिकल पार्टियों में MLA जोड़े है वो माइनिंग वाल नज़र रही थी लेकिन एक मैसेज क्लीयर दिता गया है कि कितने भी MLA जोड़े यहोजे काम नहीं करेंगे और मैं लगता 3-4 दिन के बाद MLA की बकायदा ट्रेनिंग कराई जा रही है और उन्होंने दसिया जाएगा कि उन्होंने की अधिकार खेत्र है की काम करना वो भी जरूरी है लेकिन पंजाब के आम आदमी पार्टी लिए एक बहुत वाला कैनवस है अगर इतने काम वधिया होंगे तो मैं लगता कि पंजाब तो बाद आम आदमी पार्टी नैशनल लैवल से एक बहुत वही पार्टी उभर के आ सकती है बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहन दुआ जी तो कह सकते हैं कि जिस तरह जगदीप जी कह रहे थे कि जे पंजाब दे विचों खुद को साबित करते हैं तो दूसरी स्टेट्स भी उन्होंने मौका मिल सकता है और हिमाचल प्रदेश दे विचों उन्होंने वालों पहला ही ऐलान कर दिया गया है कि असीं इस बार चुनाव लड़ांगे फिलहाल भगवंत मान की गल की जाए तो उन्होंने वालों साफ तौर पर कह दिया गया है कि अज तो ही जोड़ा काम शुरू कर दिया जाएगा तो जानकारी ये मिल रही है कि अज भगवंत मान सैक्रटरीएट जाएंगे तो मीटिंग जी है वह सदी जा सकती है बिल्कुल नीतिका बहुत शुक्रिया सो भगवंत मान बैठक लैन जा रहे हैं हो सकता इस विच अरविंद केजरीवाल भी शामिल होण फिलहाल की घड़ी खटखड़ कलां तो सीधा प्रसारण दिखाया तमाम उन्होंने सियासी चर्चावां ते भी जोर देने की कोशिश की।